हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं एक चटपटी और टेस्टी सी चटनी की रेसिपी। ये चटनी बनाना बहुत ही आसान है और झटपट ये बन करके तैयार हो जाती है। इस चटनी को आप इडली, डोसा या उत्तपम के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही तीखी चटनी ये बन के तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं इस रेसिपी को। तो इस चटनी को बनाना बहुत ही आसान है, तो आप जब भी इडली, डोसा या उत्तपम बना रहे हो तो इस चटनी को आप बना के ट्राई कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच मूंगफली ले लिया है और इसे हम लो फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए रोस्ट कर लेते हैं। तो इसे हमें तब तक पका लेना है जब तक कि इसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज ना हो जाए और इसमें से मूंगफली का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ी देर में आप देख सकते हैं मूंगफली का रंग भी चेंज हो चुका है और इसका स्किन जो है वो थोड़ा फटने लगा है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। और यहीं पे हमने कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल लिया है और अब हम इसमें डाल लेते हैं 2 हरी मिर्च। मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। 1 लहसुन की कली डाल लिया है हमने, 1 बड़ा चम्मच चना दाल, 1 बड़ा चम्मच उड़द की दाल। इन दाल से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस चटनी में। और इसे इस तरह से चलाते हुए हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये झटपट से पक चुकी है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। और ये मिक्सर जार में हमने यहाँ पे ले लिया है जो मूंगफली हमने रख ली थी रोस्ट करके, उसे हमने ले लिया है। और 4 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे ले लिया है रोस्ट की हुई चने की दाल। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, ये आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी भुना हुआ रहता है और इसे चटनी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसे हमने डाल लिया है और अब हमने उस दाल को जो हमने फ्राई करके रखा था उसे भी डाल लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें धनिया का पत्ता डाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसे नहीं डालना है, बिल्कुल हल्का ही इसे डालेंगे। इसे डालने से जो चटनी का कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है, हल्का सा ग्रीन कलर इसमें आ जाएगा। अब हम स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल लेंगे और इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पीस लेते हैं। तो बीच बीच में जितना यूज़ आएगा उतना हम इसमें पानी डाल लेंगे और जितना पतला या गाढ़ा आपको रखना है उस हिसाब से इसमें पानी डालते हुए पीस लें। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ सा हमारा ये चटनी बन करके तैयार हुआ है। तो इसमें हम तड़का डाल लेंगे। तो तड़का बनाने के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल गरम कर लिया है, 1 छोटा चम्मच हमने इसमें राई डाल ली है, थोड़ा हींग डाल लेते हैं, कड़ी पत्ता और हरी और लाल मिर्च डाल लेते हैं और इसे लो फ्लेम पर हल्का सा पका लेंगे और अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये देख सकते हैं गैस हमने बंद कर लिया है और अब हम इसमें चटनी डाल लेते हैं। तो इस तड़के से चटनी का जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि चटनी थोड़ा आपके लिए थोड़ा गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप, हमारी चटनी है वो बन करके तैयार हो गई है। तो इडली हो या डोसा हो या तो फिर उत्तपम, आप किसी भी इसके साथ इसे सर्व कर सकते हैं। खाने में भी बहुत टेस्टी और बनाना भी बहुत ही आसान से ये रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये चटपटी की चटनी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।